अंदाज़े ब्याँ अगरचे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़े ब्याँ अगरचे बहुत शोख नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। साहिब सदर, मोहतरम सामईन और मेरे तमाम हम वतनों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आपके सामने जिस मौज़ू सुखन पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका उनवान है कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह। मिल्लत का पासबाँ है मोहम्मद अली जनाह, मिल्लत का पासबाँ है मोहम्मद अली जनाह, मिल्लत है जिसमें जहाँ है मोहम्मद अली जनाह। साहिब सदर, बात शुरू करते हैं 19वीं सदी ईस्वी की, जब बरसगीर के तमाम मुसलमान हर तरफ से जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे थे। एक तरफ हिंदू अपनी मुनाफकाना सोच से इन्हें हर मैदान में पीछे रखना चाहते थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज़ इन्हें बरसगीर की सबसे पस्त कौम समझते हुए इन पर आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर रहे थे। उस वक्त में तमाम अच्छे ओहदे और अच्छे तालीमी अदारों में मुसलमाना ने हिंद का दाखिला बंद कर दिया गया था। तब रब्बे कायनात की रहमत ने जोश मारा और बकौल शायर, खून फिर खून है बहता है तो जम जाता है, खून फिर खून है बहता है तो जम जाता है, जुल्म पर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा होने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ही वो असल हीरो थे जिनका बरसगीर के मुसलमान पिछले 100 साल से रास्ता देख रहे थे। अपनी इब्तदाई तलीम कराची से हासिल की और वकालत की डिग्री लेकर वतन वापस आए। बुलंद पाया सोच के मालिक मोहम्मद अली जना ने अपने शोबे में हर कदम पर कामयाबी के झंडे गाड़े। आपका शुमार जल्दी बरसगीर के इंतहाई काबिल और नामवर वकीलों में होने लगा। कायदे आज़म ने बरसगीर के मुसलमानों की हालत ज़ार को देखते हुए कांग्रेस को खैर आबाद कहा और 1906 में आल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने और नींद के गलबे से जगाया हमें जिसने, ख़तरे से ग़ुलामी के बचाया हमें जिसने, आज़ादी का फिर शौक दिलाया हमें जिसने। इस कायदे आज़म को सदा याद रखेंगे और उसके हसीन बाग को आबाद रखेंगे। रहम जैस शख्सियत के मालिक कायदे आज़म ने भरपूर तरीके से दो कौमी नज़रिए के तहत मुसलमानाने बरसगीर का मुकदमा हर फॉर्म पर लड़ा और हालात के तंदो तेज थेड़ों का मुकाबला करते हुए इस डोलती कश्ती के मजबूत मलाह बने और 23 मार्च 1940 को करार दादे लाहौर पेश करके इस बात को यकीनी बनाया कि हो हल्का या रां तो बर रेशम की तरह नरम, हो हल्का या रां तो बर रेशम की तरह नरम, रिज़्म हक व बातिल हो तो फलाद है मोमिन। नाकाबले यकीन हद तक सियासी जदोजहद करने वाले, नाकाबले फरोग ज़मीर की मलकियत रखने वाले और नाकाबले शिकस्त रहते हुए इस अजीम रहनुमा ने यह साबित किया कि तमाम जंगें तलवार और बंदूक से ही नहीं लड़ी जातीं बल्कि कुछ जंगें जहानत और कलम से भी लड़ी जाती हैं। कागदात की जंग जीत कर कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की बुनियाद डाल दी और पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि फतह हमेशा हक का मुकद्दर होती है। कमोबेश 8 करोड़ लोगों को आज़ादी दिलाने वाले इस अजीम इंसान ने एक और शानदार कारनामा यह भी सर अंजाम दिया कि पाकिस्तान बनने के फौरी बाद अपने पे दर पे जोशो वलवला से भरपूर तकारीर के जरिए नौजवान औरतों, बुजुर्गों, बच्चों और तलबा से खिताब किया और इन्हें इतिहाद, ईमान और तंजीम के सुनहरी असूलों का ऐसा सबक दिया जिसकी मिसाल तारीख इंसान में बहुत कम मिलती है। काम काम और सिर्फ काम को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाने वाला ये अजीम रहनुमा बानिए पाकिस्तान कहलाया। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। आप अपनी मेहनत को ज़्यादा अरसा तक फलते फूलते ना देख सके और 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए। बेअसर हो गए सब हरफे नवा तेरे बाद, क्या कहें दिल का जो अहवाल हुआ तेरे बाद, तू भी देखे तो ज़रा इदीर को पहचान ना पाए, ऐसी बदली कूचे की फिजा तेरे बाद, और तू क्या किसी पे माँ की हिफाजत होती, हमसे एक ख्वाब ना संभाला गया तेरे बाद। शुक्रिया।